ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। गठबंधन ने 81 में से 47 सीटें जीती। इस जीत के बाद अब गठबंधन के नेता जल्दी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 27 दिसंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस दौरान जेएमएम के 6, कांग्रेस के 5 और आरजेडी का 1 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 27 दिसंबर को हेमंत सोरेन के साथ 12 मंत्री शपथ लेंगे। इसके अलावा कांग्रेस को स्पीकर पद दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह मोरबड़ी ग्राउंड में आयोजित किया जा सकता है। आपको बता दें कि झारखंड चुनाव 2019 में महागठबंधन यानी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को सरकार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत मिला। झारखंड चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने 37 सीटें जीती थी, वहीं इस बार सिर्फ 25 सीटें मिल पाई हैं। बीजेपी की सहयोगी रही आजसू पिछली विधानसभा में सिर्फ 8 सीटें लड़कर 5 सीटों पर जीती थी, जबकि इस बार उसने 53 सीटें लड़कर महज 2 सीटें जीत पाई। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में आज भी धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के छात्रों ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास तक मार्च निकाला। दिल्ली की मंडी हाउस से यह मार्च शुरू किया गया था। वहीं विरोध प्रदर्शन की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया, जबकि संसद मार्ग को बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी मंडी हाउस पर जमे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में संविधान की प्रति और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर है। इन प्रदर्शनकारियों में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के भी छात्र शामिल हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने मेरठ जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने शहर के बाहर ही रोक लिया। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से कहा कि वे केवल 3 लोग ही जाएंगे, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें शहर में नहीं जाने दिया। उन्हें मेरठ से बाहर परतापुर में रोक दिया गया। पुलिस ने उनसे कहा कि आप 2 दिन के बाद आए। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एक बार फिर छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। आज जब राज्यपाल जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे तो छात्रों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया और यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से उन्हें रोका। आज जादवपुर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था जिसमें राज्यपाल को हिस्सा लेना था, लेकिन गेट पर ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। छात्रों ने यहाँ राज्यपाल को काले झंडे दिखाए और उन्हें गाड़ी से उतरने ही नहीं दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी करना एक शख्स को भारी पड़ गया है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा गया था जिसमें उद्धव ठाकरे का जामिया मिलिया इस्लामिया की घटना को जलियांवाला बाग से जोड़ना गलत बताया गया। इसकी वजह से मुंबई के वडाला में रहने वाले व्यक्ति की शिवसैनिकों ने कथित रूप से पिटाई कर दी और उसका सिर भी मुंडवा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रयागराज, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर नगर निगमों की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। साथ ही 10 नई नगर निगम पंचायत बनाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। साल 2019 का अंतिम सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर गुरुवार को लगेगा। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा, यानी 25 दिसंबर की शाम से ही सूतक काल प्रभावी हो जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण के समाप्त होने पर ही खत्म होता है। भारत में ग्रहण काल 2 घंटे 52 मिनट का रहेगा। सुबह 8:04 से यह ग्रहण शुरू हो जाएगा और सुबह 10:56 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें A1 न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।